दोस्तों हमारे गेम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स की कंप्लेंट थी कि भाई रूट राइडर थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि भाई टाउन हॉल 16 मैक्स के ऊपर बंदे एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के अंदर ट्रिपल निकाल रहे स्पैम रूट राइडर्स मार के, और उसकी वजह से जो क्लैश ऑफ क्लैंस का ई स्पोर्ट्स है वो भी सिर्फ 15-15 स्टार हो रहा था हर मैच के अंदर। टाइम के ऊपर मैच का रिजल्ट डिसाइड हो रहा था। गेम बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव हो चुका है, इसलिए सुपर सेल एक और अपडेट लेके आ रहा है इसी महीने मार्च में। वही अपडेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आई है आज देखेंगे। अगर आप लोग वही करते रहोगे जो पहले कर रहे थे अटैक्स के अंदर, तो शायद आपके अटैक्स आने वाले टाइम में फेल हो सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखना ताकि आपको पता चले क्या चेंजेस हो चुके हैं गेम के अंदर। सबसे पहले तो ये जो मल्टी आर्चर टावर है लेवल 2 का, इसको पावरफुल बना दिया, स्ट्रांग बना दिया। इसका जो डैमेज पर सेकंड पहले हुआ करता था वो 120 हुआ करता था, अभी डैमेज पर सेकंड 10 से बढ़ा दिया, 130 कर दिया। उसके बाद भाई साहब रूट राइडर को ले लिया सुपर सेल ने रिमांड पे। ये रहा रूट राइडर। अभी रूट राइडर को दूसरी बार लगातार एक महीने के अंदर अंदर दूसरी बार रूट राइडर को नर्फ किया जा रहा है। रूट राइडर हम लोगों को मिला था दिसंबर 2023 में, उस टाइम पे लेवल 1 रूट राइडर जो हुआ करता था उसका हिट पॉइंट 7200 हुआ करता था लेवल 1 रूट राइडर का। फिर फरवरी में वापस एक बार नर्फ कर दिया रूट राइडर को, हिट पॉइंट कम कर दिया, लेवल 1 का 6650 कर दिया। अभी इसी मार्च महीने में एक और बार नर्फ कर दिया जाएगा 6300 हिट पॉइंट, मतलब बहुत ज्यादा कम कर दिया। और जो मैक्स लेवल का रूट राइडर, लेवल 3 का रूट राइडर, उसका जो स्टार्टिंग में दिसंबर में मिला था उसका हिट पॉइंट हुआ करता था 8000, फिर फरवरी में उसका कर दिया 7400, और अभी कर रहे इसको 7000। मतलब जब स्टार्टिंग में अपने को लेवल 1 का रूट राइडर मिला था उसका हिट पॉइंट अभी के रूट राइडर से भी ज्यादा था। अभी आप लोगों को लग रहा होगा चलो यार 400 ही तो हिट पॉइंट कम किया है, क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं भाई साहब, डैमेज पर सेकंड भी कर दिया। वो तो स्टार्टिंग में दिसंबर में आया था, उस टाइम पे जो स्टैट्स थे वही फरवरी में भी थे। फरवरी में सिर्फ हिट पॉइंट कम किया था, डैमेज पर सेकंड नहीं। इस बार तो गाइज मार्च महीने में हिट पॉइंट भी कम कर दिया, डैमेज पर सेकंड भी कर दिया। ये देखो लेवल 1, 2, 3 सारे के सारे लेवल के 20-20 डैमेज पर सेकंड कम कर दिया है सुपर सेल ने इस अपडेट के अंदर रूट राइडर के लिए। भाई इतना नर्फ करने के बावजूद भी आपको क्या लगता है, रूट राइडर अभी भी चलेगा जैसे पहले चल रहा था? वो सारी चीजें भी देखेंगे, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जिनके अपडेट्स आए हैं नए अपडेट के बाद। जब से हीरो इक्विपमेंट्स आए हैं, वार्डन के ऊपर रेड जेम आया है, हीलिंग टोम आया है, जब से हीलिंग टोम आया हुआ है तब से भाई साहब लोग ना लाइफ जेम को इस्तेमाल करना ही भूल गए। सिर्फ लालो अटैकर से लाइफ जेम को इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब लोग तो ज्यादातर हील टोम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कोई रेड जेम भी इस्तेमाल कर रहा है। और लाइफ जेम की कमी पूरी कर देता था अप्रेंटिस वार्डन। सुपरसेल ने पकड़ लिया अप्रेंटिस वार्डन को, बोला ऐसे कैसे, अप्रेंटिस वार्डन को भी नर्फ कर दिया भाई सुपरसेल ने। ये देखो लेवल 4 का अप्रेंटिस वार्डन है ये गाइस, लेवल 4 का जो है वो 30% उसके ऑरा के अंदर जो भी होता था उनका हिट पॉइंट बूस्ट कर देता था। मतलब समझो 1000 अगर हिट पॉइंट है 30%, मतलब 1300 हिट पॉइंट हो जाता था, चाहे वो कोई भी हो, किंग हो, क्वीन हो, कोई भी ट्रूप हो, उनका 30% हिट पॉइंट ये बढ़ा देता था उसके ऑरा के अंदर जब रहते थे तब। सेम चीज लाइफ जेम भी करता था, पर लाइफ जेम के ऊपर ना गाइस वहां पे एक लिमिट थी। तो लाइफ जेम क्या करता था, मैक्सिमम 725, ये देखो ये लाइफ जेम है यहाँ पे, ये मैक्सिमम 725 तक ही हिट पॉइंट इंक्रीज कर सकता है। मतलब समझो किंग का हिट पॉइंट फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 पकड़ो, 10,000 के ऊपर भी अगर ये 100% हिट पॉइंट इंक्रीज कर रहा है ना, 20,000 नहीं होगा, किंग का सिर्फ 725 ही हिट पॉइंट बढ़ेगा। इसलिए लावलून के अंदर और हाइब्रिड के अंदर ये वाला हीरो इक्विपमेंट बहुत ओपी काम करता है। पर प्लेयर्स लाइफ जेम को बाईपास कर रहे थे अप्रेंटिस वार्डन यूज करके, तो सुपर सेल ने धर लिया भाई अप्रेंटिस वार्डन को। अभी हर लेवल के अप्रेंटिस वार्डन, लेवल 1, 2, 3, 4 हर लेवल के अप्रेंटिस वार्डन के अंदर 4-4% कम कर दिया, 30% की जगह 26, जो 28 करता था वो 24, जो 26 करता था वो 22, ऐसे अप्रेंटिस वार्डन के हर लेवल के लिए 4% कम कर दिए। उसके बाद भाई साहब रॉयल चैंपियन के ऊपर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज को, क्या नाम है इसका, लोमड़ी, लोमड़ी को भी सुपर सेल ने पकड़ लिया और उसको भी कमजोर कर दिया। अभी देखो लोमड़ी के स्टैट्स आपको ना सेम ही नजर आएंगे, ज्यादा कुछ चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे। ये देखो ये लोमड़ी है, इसको भी पहले एक बार सुपर सेल ने नर्फ कर दिया था, वो जो फ्रीज करता था, मतलब वो फ्रॉस्ट जो छोड़ता था उससे ना स्लो डाउन हो जाते थे डिफेंसेस, उस चीज को खत्म कर दिया सुपर सेल ने फरवरी के अंदर। अभी वापस एक और बार लोमड़ी को धर लिया सुपर सेल ने। अभी लोमड़ी जो इनविजिबल होती है ना वो 4 सेकंड के लिए इनविजिबल होती है, लेकिन जो विजिबल रहती है वो 4-4.5 सेकंड के लिए पहले विजिबल रहती थी, अभी 6 सेकंड के लिए विजिबल रहेगी और सिर्फ
चार सेकंड्स के लिए ही इनविजिबल रहेगी। तो भाई ये लग तो रहा है कि एक दो सेकंड का ही तो फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भाई बहुत फर्क पड़ता है। अभी दोस्तों हम लोग इन्हीं नर्फ्ड रूट राइडर, नर्फ्ड अप्रेंटिस वार्डन और नर्फ्ड लोमड़ी के साथ अटैक करेंगे इस बेस के ऊपर। देखते हैं भाई रूट राइडर जिंदा बचता है या कुछ फर्क पड़ा भी है या फिर नहीं पड़ा है। ओके तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे ये डाल दूंगा, उसके बाद दो रूट राइडर, वैल्करी और ये डाल के चलो हेड हंटर लगा देते हैं। ऐसे ये सारी चीज़ें डालेंगे। ओके चलो भाई साहब यहाँ पे फ्रीज, यहाँ पे एक फ्रीज, एक अर्ली रेज लगा डालेंगे। उसके बाद बुडो की एबिलिटी, भाई साहब सब लोग आ गए बुडो की एबिलिटी के अंदर, चलो अच्छी बात है। पॉइजन आ जाएगा सीसी ट्रूप्स के ऊपर। ओके उसके बाद यहाँ पे एक रेज लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक वेट करेंगे चलो हील डाल देते हैं, यहाँ पे एक फ्रीज डाल देते हैं, रॉयल चैंपियन को इधर से डालेंगे। ओके कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या, लग रहा है क्या पड़ रहा है करके फ़र्क। यहाँ पे स्केमलेटन डाल देते हैं, यहाँ पे ये ओके स्केलेटन वापिस, चलो इधर ही डाल देते हैं, लगा देते हैं दो दो एक ही जगह पे। किंग की एबिलिटी देंगे कोर के अंदर और रॉयल चैंपियन देखो भाई 6 सेकंड के लिए अभी विजिबल रहेगी, पहले कम सेकंड्स के लिए रहती थी विजिबल तो बहुत सही रहता था, पर अभी मसला हो गया जी। यहाँ पे ना रॉयल चैंपियन की एबिलिटी, ओके दो फ्रीज अभी भी, भाई रूट राइडर्स तो गायब हो चुके हैं हमारे, जो बची है वो रॉयल चैंपियन ही बची है भाई सिर्फ। यहाँ पे फ्रीज लगाऊंगा, यहाँ पे ये एक डाल दूंगा भाई साहब, हेड हंटर यहाँ पे नहीं है हमारे पास। ओके उसके बाद यहाँ पे फ्रीज लगा डालेंगे, नाइस नाइस नाइस, यहाँ पे ये भाई पूरी आर्मी हमारी परफेक्टली कोर में गई थी। टाउन हॉल डाउन होने के बाद भी बहुत सारी आर्मी जिंदा थी, पर भाई अंदर आते आते यहाँ पे सीसी के पास मर गई, लेकिन लास्ट में रॉयल चैंपियन ने कहीं ना कहीं बचा लिया। पर भाई रूट राइडर बचे ही नहीं है इसके अंदर, ना हीरोज बचे हैं। ये एक और बिल्डिंग पर यहाँ पे बच चुकी है, तो भाई ये अटैक ट्रिपल तो हुआ है लेकिन भाई रूट राइडर्स बचे ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है भाई। मतलब कहाँ 8000 हिट पॉइंट हुआ करता था, 7000 पे ला के रख दिया और डैमेज पर सेकंड भी उसका कम कर दिया। ऊपर से अप्रेंटिस वार्डन 30% हेल्थ बूस्ट करता था, अभी तो 26 ही कर पाएगा। तो भाई आप लोग क्या लगता है, इस अपडेट के बाद रूट राइडर्स का इस्तेमाल कम हो जाएगा या फिर वैसे ही चलता रहेगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमेंट करके बताओ। तो बस दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, सब्सक्राइब जरूर करना, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।